इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने इस मैच में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 473 रन बना लिए हैं। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर टिके हुए हैं। दोनों के बीच 90 विकेट के लिए 108 गेंदों में 45 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत ने दूसरे दिन के तीसरे सेशन में कुल 5 विकेट गंवाए। भारत ने 255 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले दूसरे सेशन के दौरान कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने शतक जड़े थे। इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर ने 4 और टॉम हार्टली ने 2 विकेट लिए। बेन स्टोक्स और जेम्स रिचर्डसन को 1-1 विकेट मिला। भारत ने दूसरे दिन के पहले सेशन में बिना विकेट खोए 129 रन जोड़े। लंच ब्रेक के बाद बेन स्टोक्स ने सीरीज की अपनी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को 103 के निजी स्कोर पर आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। एंडरसन ने इसके बाद शुभमन गिल को बोल्ड कर इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई। टी ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पर सरफराज खान कैच आउट हो गए। बशीर ने उन्हें आउट किया। देवदत्त पड्डीकल 65 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जोरल ने 24 गेंद में 15 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 50 गेंदों में 15 रन बना सके। अश्विन अपने 100वें टेस्ट मैच की पहली पारी में खाता नहीं खोल सके। मैच के पहले दिन इंग्लिश टीम को 218 रनों पर ढेर करने के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो अपनी गलती के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। शोएब बशीर को स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यह युवा सलामी बल्लेबाज 57 के निजी स्कोर पर स्टंप आउट हुआ। बात भारतीय गेंदबाजों की करें तो इंग्लैंड को इस स्कोर पर समेटने में कुलदीप यादव और आर अश्विन ने अहम भूमिका निभाई। कुलदीप ने इस दौरान पंजा खोला, तो वहीं 100वां टेस्ट मैच खेल रहे आर अश्विन ने 4 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा को इस दौरान जो रूट के रूप में एकमात्र सफलता मिली। भारतीय तेज गेंदबाज इस दौरान खाली हाथ पवेलियन लौटे।